हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम संजय मदान है और मैं एडवेंचर्स ऑफ वर्लैंड का को-फाउंडर हूँ। हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अगस्त में, 10th of August 2012 में। पांच लोग, दो कार लेके, इन सब परमिशंस के बाद में यहाँ से हम लोग नेपाल गए और हम लोग पहले इंडियंस थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया। सागा गए, यूजोंगबा गए और फिर वहाँ से हम मानसरोवर लेक पहुँचे। फिर मानसरोवर से आपको कैलाश पर्वत दिखता है अगर आप मानसरोवर के वहाँ पे खड़े हो गए। हमारे परमिट जो थे वो कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट पे और हमें वहाँ की पुलिस ने बोला कि आप लोग लासा नहीं जा सकते। और हम लोगों ने अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड किया 3 दिन कैलाश में और 3 दिन मानसरोवर में। फिर वहाँ से हम 3 दिन कैलाश और 3 दिन मानसरोवर होके हम वापस आए। हमने वापस तिब्बत से एग्जिट किया नेपाल में और फिर हम नेपाल से इंडिया आए और हमने सक्सेसफुली इसको फिनिश किया और हमारा लिम्का रिकॉर्ड भी है उसका, द फर्स्ट इंडियंस टू ड्राइव इन द इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल टू कैलाश मानसरोवर। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ रोड टू कैलाश। इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि कैलाश यात्रा आज से पहले कैसे चलती थी और अब आगे क्या होने वाला है। तो इससे पहले अगर किसी को कैलाश जाना होता था तो दो तरीके होते थे। पहला तरीका, आप नेपाल जाइए, परमिट्स अप्लाई कीजिए, वहाँ से आप एक बस में बैठ के कोडारी जांगू बॉर्डर तक जाएंगे, फिर वो आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे वॉक करके, उस तरफ तिब्बतियन कार्स खड़ी होंगी, उसमें आप बैठ के आप मानसरोवर और कैलाश विजिट कर सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 दिन का टूर होता है। तो 5 से 7 दिन आपके नेपाल में और 5 से 7 दिन आपके तिब्बत में, 15 डेज में वो ट्रिप पूरा हो जाता है। दूसरी ऑप्शन कि आप फ्लाइट से, चॉपर से, फ्लाइट वाली ऑप्शन भी होती है जो 7 दिन में पूरा हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और वो वैसे ही उत्तराखंड से नेपाल जाना और फिर नेपाल से फिर एक और फ्लाइट लेके क्लोज टू कैलाश मानसरोवर जाना और वहाँ से गाड़ियाँ लेके मानसरोवर और कैलाश चले जाना। और सॉरी, जो मैं ऑप्शन, एक और ऑप्शन है इसके अंदर में जो मैं मिस कर गया पहले बोलना, 2 नहीं 3 ऑप्शंस हैं। और थर्ड ऑप्शन होती थी कि आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, मगर वो ट्रैकिंग वाला जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रिप है क्योंकि उसके अंदर में आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज करती है और सिलेक्ट करती है लोगों को कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। उसके अंदर में आप उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जाते हैं, वहाँ से एक जगह है गूंजी, आप गूंजी तक जाते हैं और वहाँ से ट्रैक करके जाना होता है, एक पास है लिपू लेक पास, उस पास तक जाते हैं, उस पास को क्रॉस करने के बाद उस तरफ में तिब्बत है। जब आप तिब्बत की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते, ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ से आप जैसे बाकी टूर में कार्स आती हैं वैसे ही आप कार लेके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करते हैं। वो कार्स जब दर्शन पूरे हो जाते हैं तो वापस आपको उसी लोकेशन पर लेके आती है, फिर आप इंडियन टेरिटरी में एंटर करते हैं, फिर ट्रैक करके आप वो सारे रिवर्स में वापस आते हैं। तो ये प्रोसेस था, बट 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से जो कोडारी और जांगू बॉर्डर था वो डैमेज हो गया और ये यात्रा बंद हो गई। काफ़ी सालों तक उसके बाद कोविड से पहले जो एक सिंगल ऑप्शन बची थी वो ये थी, नेपाल से आप लासा फ्लाई करें, लासा से गाड़ियां आपको तिब्बतियन कार्स आपको लेके जाएंगी कैलाश और मानसरोवर और फिर वापस आप लासा आएंगे, फ्लाइट लेके नेपाल आ जाएंगे। फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद सारी यात्रा बंद हो गई, अभी तक शुरू नहीं हुई। ऐसा सुना है कि यात्रा शुरू हो रही है दोबारा, नेपाल से भी होगी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी एक रोड बना रही है जहाँ से आप पिथौरागढ़ से आगे आके गुंजी तक आते थे और गुंजी से आगे लिपू लेक पास जाते थे, वहाँ तक रोड बन जाएगी। जब रोड बन जाएगी तो वो एरिया एक्सेसिबल हो जाएगा जो पहले लिमिटेड लोगों के लिए था, जो सिलेक्टिव बेसिस पे था। तो ये था पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि फाइनली आप क्या कर सकते हैं और रोड टू कैलाश कहाँ तक जाएगी।